आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पराठा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, आधा कप ग्रेटेड गाजर, आधा कप ग्रेटेड पत्ता गोभी, आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी, आधा कप कटी हुई मेथी, 1 चम्मच अदरक। मसाले में मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हींग। पराठा सेकने के लिए मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया हुआ है। अब चलिए पराठा के लिए आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने से पहले हम सभी सब्जियों को इस कपड़े में डाल लेंगे। और इसमें पानी निचोड़ देंगे अच्छी तरीके से। अब इसमें हम थोड़ा आटा ऐड कर लेंगे। और सारे मसाले भी डाल लेंगे इसमें। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके आटा गूंथ लेंगे इसका। थोड़ा सा घी लगाकर लगा देंगे और ये इसको सेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। पराठे को बेल लेंगे। दबा हमारा गरम हो गया। अब इसमें ग्रीसिंग करके पराठे को डाल देंगे। अब हमारे पराठे तैयार हो गए हैं। इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आप भी इस हेल्दी डिश को घर पर ट्राई कीजिएगा।